नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। खबर है कि बिहार के अधिकांश जेलों में छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं, जिसमें गांजा, खैनी, मोबाइल चार्जर और नकदी भी बरामद होने की सूचना है, जहां तक हमारे सोर्स बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेल IG मिथिलेश मिश्रा के आदेश के बाद बिहार के अधिकांश जेलों में, जहाँ पे बड़े बड़े कुख्यातों को बंद करके रखा गया है, वहाँ पे आए दिन आपराधिक घटनाओं के सोर्स मिल रहे थे। लिहाजा जेल प्रशासन ने सभी जेलों में छापेमारी अभियान चलाया। हालांकि खबर मिलने तक अभी पटना के जेलों में छापेमारी अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि पटना के भी जेलों में छापेमारी अभियान जल्द ही चलाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी बड़े बड़े अपराधी बंद हैं, चाहे वो बेउर हो, फुलवारी हो या फिर दानापुर जेल हो। सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर जेलों में मोबाइल कैसे पहुंचती है। पूर्व में भी मोबाइल आने जाने का सिलसिला जारी रहा है, जेल से आपराधिक घटनाएं जुड़े रहने के मामले आए हैं। खबर है कि पटना सहित आसपास के अन्य जो भी जिले के जेल बचे हैं, वहां भी छापेमारी की जा रही, जहां तक हमारे सोर्स बता रहे हैं, जल्दी उसमें भी छापेमारी की जाएगी। हालांकि पूर्व में भी मोबाइल चार्जर, आपत्तिजनक सामान, सभी चीज़ मिलने के मामले पूर्व में भी आ चुके हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस छापेमारी के बाद जेल प्रशासन अपना रुख कुछ अपराधियों के प्रति बदलती है या फिर वही रहती है। क्या मोबाइल आने और जाने या आपत्तिजनक सामान आने जाने का सिलसिला अभी भी जारी रहता है या बंद होता है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। हम लोग आ गए हुई है, इसमें 2000 रुपया हुआ है, 2 मोबाइल मिला है, कुछ ताश का पैकेट, खाने का पुड़िया, एक तकुआ 5 मिला है, एक रस्सी मिला है और कुछ ब्लेड वगैरह मिला है। तो प्रोसीजर लिस्ट बना के जिले तक को बुला के एफआईआर करने के लिए और कहा गया है कि और इसमें सख्ती बरतें, जेल में सब चीज़ आपत्ति चीज़ें नहीं आनी चाहिए, उसका रेगुलर इंस्पेक्शन अब होता रहेगा।